फ्रेंड आई एम ईशान, वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट मैं आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आपका CBSE बोर्ड का क्लास 10th और क्लास 12th का टर्म 1 प्लस टर्म 2 की मदद से रिजल्ट फाइनल किस तरीके से तैयार होने वाला है, किस तरीके से सभी स्टूडेंट पास होने वाले हैं, साथ ही आपका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, सारी कुछ कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका फाइनली 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है उसको किस तरीके से तैयार किया जाना है। तो यहाँ पर आपको एक सबसे पहले मैं जो बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया था आपको मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पासिंग क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले 10वीं क्लास का पासिंग क्राइटेरिया बताते हैं। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, देखिए स्टूडेंट आपका टोटल 100 नंबर का पेपर होता है तो उस कंडीशन में आपको 33 मार्क्स लाना होते हैं, वहीं आपका 80 नंबर का पेपर होता है तो टोटल आपको यहाँ पर इसका 33% होता है, 80 का 27 नंबर लाना पड़ते हैं। तो वहीं आपका 70 नंबर का पेपर होता है वो तो उसमें आपको यहाँ पर 24 नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आपके इस नंबर में से इतने से कम नंबर आते हैं तो आपको फाइनली फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो हम आपको क्लियर करते हैं कि आपका कक्षा 10वीं क्लास का जो CBSE बोर्ड का फाइनल रिजल्ट है वह किस तरीके से तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट तैयार होना है टर्म 1 प्लस टर्म 2 इक्वल टू 33 मार्क्स, मतलब आपके टर्म 1 के जो एग्जाम्स हुए थे और टर्म 2 के एग्जाम चल रहे हैं इन दोनों के मिलाकर आपके 33 मार्क्स होना चाहिए। इसमें देखिए आपका जो टर्म 1 था उसमें आपके मान लीजिए थ्योरी में 9 नंबर आए, इंटरनल असेसमेंट में आपके 8 नंबर आए, वहीं आपके टर्म 2 में थ्योरी में 7 नंबर आए और इंटरनल असेसमेंट में आपके 9 नंबर आए। इस तरीके से आपके ओवरऑल ऑल यहाँ पर 100 में से 33 नंबर आना चाहिए। अगर इससे कम नंबर आएंगे, आपके दोनों को मिलाकर इससे कम नंबर आते हैं तो उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। वहीं आपका अगर 80 नंबर का टोटल है तो उसमें से आपके यहाँ पर 27 नंबर टर्म 1 प्लस टर्म 2 को मिलाकर आना चाहिए, इससे अगर कम नंबर आएंगे तो आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर इस बार आपको दो सब्जेक्ट में 10वीं क्लास में कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम देने का मौका आपको मिलने वाला है। दो सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट दी जाएगी, आप दोनों के कंपार्टमेंट एग्जाम देके इस साल पास हो सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं हम कक्षा 12वीं क्लास की, तो 12वीं क्लास का पासिंग क्राइटेरिया देख लीजिए। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंटरनल असेसमेंट देखिए, यहाँ पर आपका टर्म 1 प्लस टर्म 2 टोटल इंटरनल असेसमेंट आपका 20 नंबर का है तो टोटल आपको इसमें से 20 में से 6 नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके दोनों में 6 नंबर नहीं आएंगे, मतलब 6 से कम नंबर आएंगे, तो आपको इससे आपका जो इंटरनल असेसमेंट है आपको उसमें फेल कर दिया जाएगा। वहीं प्रैक्टिकल एग्जाम में आपके टोटल यहाँ पर 15-15 नंबर का है तो आपका टोटल 30 नंबर, तो यहाँ पर आपके 9 नंबर आना जरूरी है। वहीं आपके थ्योरी की बात करता हूँ, थ्योरी पेपर की टर्म 1 प्लस टर्म 2 की, तो यहाँ पर आपका देखिए 70 का है तो आपको 24 नंबर लाने जरूरी होंगे। वहीं अगर आपका 80 नंबर का है तो आपको 27 नंबर लाना जरूरी होंगे। वहीं आपका 100 नंबर का होता है तो आपको यहाँ पर 33 नंबर लाने होंगे। तो ओवरऑल इश्यूड इतनी सी बात है, आपका जो रिजल्ट तैयार होने वाला है आपके टर्म 1 प्लस टर्म 2 का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। मान लीजिए आप टर्म 1 में फेल भी हैं और अगर आप टर्म 2 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर ले आते हैं, 33 से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो उस कंडीशन में आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इससे स्टूडेंट देखिए आपके फ़ायदा मिलने वाला है, काफ़ी सारे स्टूडेंट इस साल पास होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इस साल पिछले साल की जो अपेक्षा रिजल्ट आता है CBSE बोर्ड का उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। अब बात आती है कि आपका सबसे पहले कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं क्लास का रिजल्ट किस तरीके से और कब तक डिक्लेयर होने वाला है। तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आपका जो सबसे पहले रिजल्ट जारी होगा वही कक्षा 10वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपका कक्षा 10वीं क्लास का रिजल्ट फाइनली जून के लास्ट तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जून के लास्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। वहीं आपका जो 12th क्लास का सभी स्ट्रीम का रिजल्ट रहेगा उसको जुलाई में डिक्लेयर किया जाएगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। अगर आपके मन में रिजल्ट से जुड़ा कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो मेरा इंस्टाग्राम है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर लिंक के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सिंपली इंस्टाग्राम पर जाना और आपको 360 ज्ञान सर्च कर लेना है। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।